So hello guys, what's up? Welcome back to the video of TSG Army. And guys, आज TSG के boot camp पे होने वाले हैं TPL. क्या होने वाला है? Two sided Premier League. तो इधर आप लोग teams देख सकते हो. तो मैं एक-एक player को announce करके उनको introduce कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमारी जो team है वो है CSK, जिसको represent कर रहे हैं हमारे one and only TSG Mohan. Yeah. क्या तू जीताएगा सीएसके? अरे फाड़ दूंगा सीएसके को, जीता के ही रहूंगा मैं, कुछ भी होने दो. जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो एक लेवल है. तो आज मन तो पूरा अपना 100% देगा. मैं गेम्स के रूल आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले आपको टीम्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. तो सेकंड नंबर पे जो हमारे प्लेयर है वो है आरसीबी के देखते रहिए TPL. भाई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं द वन एंड ओनली टू साइड गेमर्स की अदर साइड TSG जस्ट. और भाई इस बार इस आईपीएल में हमने कुछ नहीं उखाड़ा, पर पिछले आपको ट्रॉफीज तो हमारी पता ही है. उखाड़ूंगे नहीं TPL में, तो हम फाड़ देंगे ये सब बच्चे लोग. अब तक देखो हम कैसे इनको हरा देते. गाइस मुंबई इंडियंस क्या TPL में जीत पाएगी या नहीं? किंग स्ट्रीक इनके पास है, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद से TSG. रोनिश ब्रो, भाई तू कुछ कर पाएगा इतने बड़े लोगों के सामने? भाई ये लोग छोटा पैकेट हो बट बड़ा धमाका. तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमारा सनराइजर्स हैदराबाद से TSG रोनिश, देखते हैं TPL में क्या कमाल करते हैं. एंड देन हमारे फिफ्थ टीम से आ रहे हैं गुजरात को रिप्रेजेंट करने के लिए लेजेंड भाई. लेजेंड भाई क्या गुजरात टाइगर्स TPL का पहला सीजन गुजरात ही जीतेगा ऐसा? बिल्कुल गाइस, लेजेंड भाई ई-स्पोर्ट्स में तो कमाल करते हैं, बट क्या क्रिकेट में कमाल कर पाएंगे? बट इधर राजस्थान रॉयल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारा भाई ऋतिक भाई. तो गाइस अपन है, अपन अभी तो इधर होस्ट बना हुआ है, बट मैच में अपन भी फाड़ेंगे. तो अभी मैं आपको मैच रूल समझा देता हूँ कि मैच कैसे क्या होने वाला है एंड क्या होने वाला है. तो ये सारी टीम्स खेलने वाली आज के TPL में सीजन वन में. तो बी रेडी, मैच रूल्स की तरफ चलते हैं. तो गाइज रूल समझाने से पहले हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर ये है 1xBet ने. तो गाइज ये मंथ IPL स्टार्ट होने वाला है एंड ये मई एंड तक चलने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है. वो कैसे भाई? मेरे फ्रेंड्स जो कि 1xBet में है वो बहुत ही रिलायबल बुकमेकर्स है और उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके विनर्स को ऑनेस्टली उनकी विनिंग्स पहुंचे. 1xBet एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पे तू ऑनलाइन गेम्स पर बेट करके या फिर ऑनलाइन गेम्स के मैच रिजल्ट्स पे बेट करके पैसे जीत सकता है. ओ भाई मस्त है ये तो. आपको यहाँ पे 26,000 तक का बोनस मिल सकता है और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए. और आप एकदम इजीली पैसे विड्रॉ कर सकते हो इधर, पेटीएम बैंक अकाउंट और बहुत सारे सिंपल मेथड्स हैं. और मेरा प्रोमो कोड यूज करना ना भूले, जो कि है TSGIPL. लिंक आपको कमेंट में पिन हुई भी मिल जाएगी. तो सोच कह रहे हो अगर आप एक ट्रू स्पोर्ट्स फैन हो, IPL के फैन हो अच्छे, तो 1xBet पे ही बेट लगाए. सभी प्लेयर्स को मैच रूल समझा देता हूँ मैं, ठीक है? घर में किधर भी डायरेक्ट अड़ी तो आउट होगा. okay. एक ओवर का मैच होगा, सब में कॉमन बॉलर सज्जो रहेगा, सबको सज्जो बॉलिंग डालेगा, किधर भी डायरेक्ट करा आउट. जो हाईएस्ट रन मारेगा 6 बॉल में वो जीत जाएगा. बाउंड्री उसके पार होगी, तो टप्पा खा के अगर बॉल गई तो ही बाउंड्री होगी. डायरेक्ट किधर भी अड़ा 6 है और वन टिप का के और कैच पकड़ लिया किसी ने वन हैंड में, वन टप कैच आउट, वन टप्पी कैच आउट. सब फील्डर्स रहे, सब फील्डर नहीं रहेंगे, एक को एक ही फील्डर रहेगा. तो एक टप्पी एक कैच आउट है, ठीक है? तो ये रूल्स है, कॉमन रूल्स है, सबको समझ गए होंगे. टच किया तो एक रन मिलेगा, यस किया तो बैट को. और वहां पर टिपाई के नीचे क्या, वो डाइनिंग टेबल के उधर टूड़ी है, ठीक है? डाइनिंग टेबल के अंदर मार दिया. तो ये सिंपल से रूल है गाइस, देखते हैं कौन सी टीम हाईएस्ट रन करेगी और TPL जीतेगी. आर यू गाइस रेडी? यस. तो स्टार्ट करते हैं TPL. तो गाइस फर्स्ट मैच इधर CSK, हमारे सज्जो कॉमन बॉलर, देखते मन भाई 6 बॉल में कितना स्कोर करेंगे. फर्स्ट बॉल नो ट्रायल्स स्टार्ट हुआ है. फर्स्ट बॉल मन को जाती हुई की है, 1 ball 1 run. इससे इधर सज्जो की जो फील्डिंग हो रही है नेक्स्ट लेवल. तो 2 ball में 2 run बने मन के, 3 ball में 3 run. ओ 44, 7 run का स्कोर इधर मन ने बना लिया है. और ये एक और बॉल फिर से फील्डिंग की गई, 5 ball में 8 run बने मन के. CSK 12 run. क्या लगता है मन भाई, क्या तुम जीतोगे? आई थिंक सो 12 पर, लेकिन किसके भी फोर्स ज्यादा गए तो फिर थोड़ी वाट लग सकती है. CSK ने काफी अच्छा स्कोर किया है, मन की बैटिंग हो चुकी है, चलेंगे नेक्स्ट मैच पे. नेक्स्ट मैच अपन 12 से तो RCB वर्सेस मन भाई से. इधर मन का स्कोर दिख रहा है, दक्ष को पहली बॉल, क्या दक्ष पहली बॉल में 4 आउट भाई, आउट. RCB
ये साला कप नाम दे बराबर इसके नाम पे गया ये साला कप नाम दे तो इधर आरसीबी डक आउट। नेक्स्ट अपनी मुंबई इंडियंस पल्टन क्या बोलते पल्टन को पहली बॉल लेट्स सी मुंबई इंडियंस इस बार कप में तो नहीं बट यहाँ पे क्या करेगी देखने के लिए देखते रहिए टीपीएल। एक बॉल ओके दो बॉल दो रन अभी भी आठ रन चाहिए चार बॉल में अगर सीएसके को बीट करनी आरसीबी की तरफ मुंबई इंडियंस नहीं है नहीं पैर में लगी मुंबई इंडियंस चिढ़ती हुई बट तीन ही रन अंबानी नहीं है इधर कोई बात नहीं फोर मारा है इधर काफी बढ़िया शॉट जस धोगा द्वारा सात रन चार बॉल अभी भी दो बॉल में दो बाउंड्रीज एंड मुंबई इंडियंस को टॉप पे लेके जा सकते हैं जस भाई और एक और फोर पंखे को मार के ग्यारह रन लास्ट बॉल सीएसके से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक रन चाहिए रन इधर दो रन भी है अगर डाइनिंग टेबल पे मारे तो लेट्स सी क्या मुंबई इंडियंस सीएसके को बीट कर पाएगी या नहीं। लास्ट बॉल ऑफ द मैच और ये काफी तेज मारा था लेकिन बॉल रोक दी गई नहीं हाईएस्ट स्कोर 15 रन। यस तो गाइस यहाँ पर हाई स्कोर अपन ने बना दिया सीएसके आरसीबी को सीएसके को बीट करके मुंबई इंडियंस अभी टॉप पे चल रही है ना। हैदराबाद हैदराबाद के छोटे पैक बड़े धमाके बैट पकड़ना इनको आ नहीं रहा है बट देखते हैं क्या होता है। पहली बॉल में शॉट मारा है पहली बॉल शॉट मारा है एक रन सनराइजर्स हैदराबाद फोर हैदराबाद के छोटे पैक बड़े धमाके आरसीबी को बीट करके पांच रन बना लिए और एक फोर हैदराबाद ऑन फायर नौ रन तीन बॉल में अभी तक के हाईएस्ट रन तीन बॉल में बनाए हैं ओके दस रन दो बॉल में आठ रन चाहिए क्या हैदराबाद बीट कर पाएगी मुंबई इंडियंस और एक और फोर चौदह रन की कमाल की पारी हैदराबाद के द्वारा। इधर फील्डर बॉल ढूंढ रहे हैं बॉल नहीं मिली इतना जोर से इधर 14 रन्स कैसा लग रहा है आपको एक रन से मुंबई इंडियंस से पीछे कोई नहीं भाई अगले सीजन वापस आएंगे। तो इधर 14 रन्स की पारी सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा गुजरात टाइटंस के लेजेंड ई स्पोर्ट्स में तो कमाल दिखाते हैं इधर कमाल दिखा पाएंगे या नहीं लेट्स सी ओके आरसीबी गया तो बस गुजरात का मेन टारगेट था आरसीबी को पीछे रखना वो हो गया अब बोल्ड हो चुके हैं गुजरात टाइटंस एक पे पूरा नाम ही डूबा दिया। सो गाइस आखिरी मैच आखिरी प्लेयर राजस्थान रॉयल ऋतिक भाई आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान रॉयल जीता था टीपीएल का भी पहला सीजन बेटा मुंबई से जीतने के लिए चाहिए 15 रन लेट्स सी पहली बॉल शानदार शॉट और बढ़िया फील्डिंग एक हाथ में पकड़ विकेट हो जाएगी एक बॉल एक रन बढ़िया शॉट और ये चौका प्यारा सा चौका बढ़िया बढ़िया तीसरी बॉल और टूडी मिलेगी दो रन तीन बॉल सात रन काफी बढ़िया ऋतिक भाई यहां पर खेलते हुए ओ नाइस फील्डिंग नहीं 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 चिढ़ते हुए राजस्थान रॉयल चार बॉल आठ रन चार बॉल आठ बढ़िया सा शॉट और ये चौका एक और चौका और ऋतिक भाई जीत जाएंगे डॉट प्लीज डॉट 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 नहीं अरे राजस्थान रॉयल कप जीतते हुए गाइस जैसा कि मैंने बोला था आईपीएल भी पहला सीजन राजस्थान जीता था एंड टीपीएल एक रन से जीत गया भाई सीजन राजस्थान रॉयल जीतता हुआ। तो यस गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी एंड आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना एंड कैसा लगा टीपीएल का सीजन वन ये गाइस आरसीबी जीरो पे ये एक रन में आउट रोनिश ने काफी बढ़िया खेला दोनों टीम्स में बहुत अच्छा खेला। तो यस गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू गाइस पीस आउट।